नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। टीकमगढ़ वन अधिकारी भूमि का कब्जा दिए जाने को लेकर एकता परिषद कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। आरपी तिवारी तहसीलदार के नाम माध्यम से अपनी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग करेंगे आंदोलन। ज्ञापन देने वालों में नथुलाल वर्मा, सामान्यवाक मुकेश लाल, अरविंद पार्षद, सावित्री विनीता नन्नी भारी संख्या में सम्मिलित हुई। बैठ नथुलाल वर्मा, जिला सामान्यवाक एकता परिषद टीकमगढ़। वर्मा है और एकता परिषद के जिला समन्वयक जिला टीकमगढ़ का हूँ। और ये जो ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम से जो दिया गया है, तो गांव-गांव में बनाए वन भूमि में लोग कब्जा किए हैं, वो कब्जा के आधार वन अधिकार हक पाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इसमें बहुत सारे माने त्रुटियां पाई जा रही हैं, तो कहीं कहीं बेदखल भी किया जा रहा है, तो कहीं सर्वे नहीं हो रहा है, और सर्वे हो रहा है तो अधूरा हो रहा है, और दूसरा है कहीं गाँव में बैठ के सर्वे किया जा रहा है, और कहीं किसी गाँव में तो एक दो पट्टे दिए जा रहे हैं, बाकी लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर गांव के संपूर्ण गांव को माने पट्टा मिलना चाहिए, वन अधिकार अधिनियम के तहत में उनको वन अधिकार हक मिलना चाहिए। तो ये सरकार जो है हमारे गरीबों के साथ में, हमारे कब्जाधारियों के साथ में एक खिलवाड़ काम कर रही है, और उसी के साथ साथ प्रशासन भी खिलवाड़ कर रही है। और थोड़ी क्या है कि जमीन हमारा 5 एकड़ में कब्जा है, लेकिन उसमें क्या किया है कि जैसे पानी के अभाव के कारण आधे में या कम में माने कि माने खेती किया है, तो उसी जगह थोड़ी सी जमीन का उन्हें सत्यापन करते हैं, माने पूरी जमीन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अभी ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया? अभी तो आश्वासन अभी कुछ नहीं, वो तो लेके चले गए हैं आश्वासन कर जाने, तो अभी तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि हम जी आगे मांगे नहीं पूरी गई। तो हमने तो 15 तारीख को घोषित ही कर दिया उनके सामने कि हर पंचायतों में अपने पंचायतों में धरना में बैठना है। क्षेत्र में खून खराबे की बात आपने कही थी, क्या मामला है? ये मामला पलेरा क्षेत्र का मामला है कि एकता नगर है, एकता नगर में जो वहाँ के आदिवासी समूह है, आदिवासी समाज के 1990-93 से उनका एक इतिहास है कि वो परेशान आदिवासियों को करते आ रहे थे, फसल उजाड़ते आ रहे, मारपीट करते आ रहे, खूना खच बहते आ रहे। ये पुराना इतिहास है, 36 बार उन्होंने हमला किया, आज भी हमला करने को नहीं छोड़ रहे। तो एकता नगर में 24 पट्टे मिल गए थे, 23 लोग बाकी थे। तो उसमें से क्या है कि उस जमीन पर यादव समाजों ने कब्जा कर लिया है, कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया। दूसरा बात है कि एक आदिवासियों को फोड़ करके, एक आदिवासी को फोड़ा तो वो आदिवासी पूरा तंग मचाया हुआ है। पुलिस गई थी आपके? अभी नहीं गई पुलिस। तो इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को आपने शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ करवाई सर। तो उन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब ने कहा कि हम जांच करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, आप ऐसा थोड़ा 10 दिन के अंदर ये क्या कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सब ऐसे ही बात है ये। अब क्या चाहते? तो हमारे अभी एक आदमी का आदमी ने 8 अपराध किए हैं, और वहाँ का ज्ञापन दिया गया है एकता परिषद के सदस्यों द्वारा वनाधिकार के तहत वन भूमि के कब्जे के आधार पर हक दिलवाए जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, एवं उनका वनाधिकार जिनका कब्जा है उनका पुनः सर्वे किए जाने का निवेदन किया है, एवं कुछ आवेदन पत्र भी दिए गए हैं, तो इन पर जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।